नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर मणि। दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कि हमारे ब्रेन में खून का थक्का क्यों जमता है और यह किस कारण से हमारे ब्रेन में खून का थक्का जमने लगता है। तो दोस्तों इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों कोई भी वीडियो देखते समय उसको स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। दोस्तों हमारे शरीर में खून के थक्के तब जमने लगते हैं जब हमारे शरीर में ब्लड एक जगह इकट्ठा होकर के गाढ़ा होने लगता है। तब उस समय हमारे शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं। अगर आपके सर में कभी चोट लगा है तो उस कारण आपके दिमाग में खून के थक्के जमने लगते हैं। इसका सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हमारे ब्रेन में खून के थक्के क्यों जमने लगते हैं और हमारे शरीर में खून के थक्के क्यों जमने लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ कारण बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं। अगर आप ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं या ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या ज़्यादा सोचते हैं या ज़्यादा हाई बीपी का शिकार आप रहते हैं या ज़्यादा बाहरी चीज़ों का आप खाने में ज़्यादा प्रयोग करते हैं या ज़्यादा आप तेल मसाले का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उस समय आपके खून के थक्के जमने का चांस ज़्यादा रहता है। दोस्तों हमारे शरीर में अचानक कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जिसे हम जान कर पता लगा सकते हैं। अगर आपके हाथ पैर में अचानक पसीना होने लगे या हाथ पैर दर्द होने लगे या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या आपकी नसें हरी नीली या लाल होने लग रही हैं, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होने वाली है या हो रही है। अगर आपको खांसी के साथ साथ मुख से ब्लड आने लगा या अचानक सीने में दर्द होने लगा या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या अचानक आपके हार्ट बीट या दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है या होने वाला है। अगर आपका शरीर सुन्न पड़ रहा है और आपकी आवाज़ फंस के आ रही है या आपकी आवाज़ किसी को समझ में नहीं आ रही है या दूसरे की आवाज़ आपको समझ में नहीं आ रही है और अचानक आपके हाथ पैर में दर्द होने लगा, अचानक आपके सर में दर्द होने लगा है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको ब्लड क्लॉटिंग होने वाली है या हो रही है। और इसके साथ साथ अगर आपके पेशाब से खून आ रहा है और आपको पलटी हो रही है और अचानक आपका सीना तेज़ी से दर्द करने लग रहा है, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपको ब्रेन स्ट्रोक होने वाला है या हो रहा है। दोस्तों हमारे शरीर में ब्लड पहुँचाने का काम नसें करती हैं और हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग उस समय होता है जब हमारे नसों की दीवारें कमजोर हो जाती हैं तो यह प्रेशर की वजह से गुब्बारे की तरह फूलने लगती हैं और जिस जगह नसें कमजोर होती हैं उस जगह प्रेशर की वजह से नसें फट जाती हैं जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। दोस्तों कई बार प्रेशर इतना तेज होता है कि जिसकी वजह से हमारे मुँह से और नाक से और कान से ब्लड बाहर निकलने लगता है। दोस्तों हमारे सर के पिछले हिस्से में नसें ज़्यादा फटती हैं और आगे के हिस्से में बहुत कम देखने को मिलता है। कि सही जानकारी आपको तब मिल पाती है जब आप सीटी स्कैन कराते हैं या एमआरआई कराते हैं, तब उसी समय आपको सही जानकारी इसकी मिल पाती है कि आपका ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या कहीं ब्लड क्लॉटिंग हुआ। दोस्तों कुछ तरीका अपना करके आप ब्रेन स्ट्रोक या ब्लड क्लॉटिंग को सही कर सकते हैं। दोस्तों एंजियोग्राफी के द्वारा आपके ब्रेन में जमे थक्के को या ब्लड क्लॉटिंग को सही किया जाता है और कुछ दवा के माध्यम से भी आपके खून को पतला करके उसे सही किया जा सकता है। दोस्तों ब्रेन क्लॉटिंग मरीजों के लिए कुछ गोल्डन समय होता है। अगर उस गोल्डन समय के बीच में अगर उनका इलाज अगर होने लगे तो उनका ब्रेन क्लॉटिंग या कहीं भी खून का थक्का अगर जमा है तो उसे सही किया जा सकता है। अगर आप मरीज को 4 से 6 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं तो उन्हें सही होने का चांस लगभग 90% बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर किसी को ब्लड क्लॉटिंग हो गया है या ब्रेन में क्लॉटिंग हो गया है तो आप लापरवाही ना करें, तुरंत लेकर के उनको हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराएं और सही से उनका ट्रीटमेंट। दोस्तों यह वीडियो आपके जानकारी के लिए बनाया गया है, ना कि आपको घर पर रह के कोई तरीका अपना करके इसे सही करें। इसमें आप लापरवाही तुरंत आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती कराएं और अच्छे से इनका इलाज कराएं। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। दोस्तों नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा, तो मेरे अगले वीडियो पर आप बने रहें। दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत।